Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर यूनिट थ्री का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. इससे पहले जो है मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न यूनिट वन, यूनिट टू और यूनिट थ्री के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस कर चुकी हूँ. जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज वो आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. Now let's discuss our topic. So question number 12, discuss the social structure in the early 19th Punjab. तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी पंजाब की अर्ली 19th सेंचुरी में. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. पंजाब 19th सेंचुरी में तीन सेक्शंस में डिवाइड था, हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी एंड सिख सोसाइटी. उस टाइम पे पंजाब जो था इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था, यानी काफ़ी अच्छा जो वहाँ पर लोग थे अर्न कर रहे थे और उनकी लाइफ जो थी काफ़ी प्रॉस्परस एंड हैप्पी थी. ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलपमेंट में थी उस टाइम पर, फ्लॉरिश्ड कर रही थी. एग्रीकल्चर और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, खेतीबाड़ी करना और पशुओं को पालना, ये मेन ऑक्यूपेशंस होता था पंजाबीज का. लाहौर जो था मेन सेंटर था इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए, और जितनी भी ज़रूरत का सामान था, एसेंशियल कॉमोडिटीज़ थी, वो बहुत ही चीप थी, यानी कि अफोर्डेबल थी. जो आम जनता थी वो ज़रूरत का सामान अफोर्ड कर पाते थे उस टाइम पर. नेक्स्ट हेडिंग है हिंदू सोसाइटी. जो हिंदू सोसाइटी थी उस टाइम पे वो चार कास्ट में डिवाइडेड थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, वैश्य और शूद्रास. जो सिख संगत थी वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करती थी. हिंदू सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो इवल चीज़ थी, जो बुरी चीज़ थी, वो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी थी. इंटर कास्ट मैरिजेस उस टाइम पर अलाउड नहीं थे. जो वुमेन की पोजीशन थी वो काफ़ी बुरी थी, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी बुरी चीज़ें थी वो सोसाइटी में प्रेवलेंट थी, जैसे कि सती सिस्टम, हस्बैंड की डेथ के बाद वुमेन को जला देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो फीमेल लड़कियां हैं उनको मार देना, पर्दा सिस्टम, वुमेन को पूरा कवर करके रखना होता था अपने आप को, इलिटरेसी यानी कि वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था. तो ये कुछ बुराइयाँ थी सोसाइटी में जिसकी वजह से जो वुमेन की कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी. इसके अलावा हिंदू समाज के अंदर लोअर कास्ट लोग भी होते थे, जैसे कि पोर्टर्स, वीवर्स, कोबलर्स, टेलर्स, आर्टिसंस एट्सेट्रा. नेक्स्ट हेडिंग है सिख सोसाइटी. गुरु नानक देव जी फाउंडर हैं सिखिज़्म धर्म के. हिंदुइज़्म धर्म के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी जिसके खिलाफ़ गुरु नानक देव जी ने प्रोटेस्ट किया था. एक्चुअल जो सिखिज़्म को आइडेंटिटी मिली है जब 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी. सिखिज़्म धर्म के लोग जो हैं कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं. बेदीज़ और सोडीज़ सबसे हाईएस्ट क्लास होती थी सिखों में, और वो ऑनर्स होते थे बिग जागीर्स के, मींस हम कह सकते हैं ज़मींदार होते थे वो लोग. जाट ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है सिख कम्युनिटी की. जाट लोग जो है विलेजेस में रहते थे और उनका मेन काम एग्रीकल्चर हुआ करता था. इसके अलावा खत्रीज और अरोड़ास उन्होंने भी आगे चलकर सिखिज़्म धर्म को अपना लिया, और खत्रीज और अरोड़ास ये लोग शहरों में रहते होते थे और इनका मेन काम ट्रेडर्स और शॉपकीपिंग का होता था. नेक्स्ट हेडिंग है मुस्लिम सोसाइटी. द सईद ऑक्यूपाई द हाईएस्ट प्लेस इन द मुस्लिम सोसाइटी. मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हाईएस्ट प्लेस जो होती थी वो सईद की होती थी, और जो ये सईद लोग होते थे ये लैंडलॉर्ड्स होते थे. मुस्लिम जाट भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती थी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर. जो मुस्लिम जाट है उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग और कैटल ब्रीडिंग होता था, और जो ये मुस्लिम जाट्स हैं ये गांव वगैरह में रहते होते थे ज़्यादातर. कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, कोबलर, गार्डनर्स ये लोअर क्लासेस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी हुआ करती थी उस टाइम पर. नेक्स्ट हेडिंग है फूड एंड ड्रिंक्स. हिंदू सोसाइटी उस टाइम पर वेजिटेरियन हुआ करती थी, जबकि मुस्लिम और सिख कम्युनिटी नॉन वेजिटेरियन. पंजाबीज जो थे उस टाइम पर इंटॉक्सिकेंट्स लिया करते थे, जैसे कि वाइन और बियर. मुस्लिम और सिख कम्युनिटी उस टाइम पर ओपियम खाया करते थे. महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो खुद वाइन के बहुत शौकीन थे. नेक्स्ट हेडिंग है मीन्स ऑफ अम्यूज़मेंट, यानी कि इन्जॉयमेंट के लिए वो लोग क्या किया करते थे. तो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत सारी चीज़ें जो है एंटरटेनमेंट के लिए शुरू की हुई थी लोगों के लिए, जैसे कि हॉर्स रेस, हंटिंग, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, स्विमिंग, एनिमल एंड बर्ड फाइटिंग, प्ले कार्ड्स, चेस, डांसिंग. ये बहुत सारी गेम्स जो थी लोग खेला करते थे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए. उसके अलावा म्यूजिशंस, बाजीगर्स, स्नेक चार्मर्स ये भी लोगों को एंटरटेन किया करते थे अपनी ट्रिक्स दिखाकर. नेक्स्ट हेडिंग है जॉइंट फैमिली सिस्टम. महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रेवलेंट था.
जो एल्डेस्ट मेल मेंबर थे फैमिली के वो हेड ऑफ़ द फैमिली हुआ करते थे, और जितने भी मेल मेंबर्स थे वो जो भी अर्न करते थे वो हेड ऑफ़ द फैमिली को आकर हैंड ओवर करते थे। जितने भी मेंबर्स होते थे फैमिली के वो हेड ऑफ़ द फैमिली के ऑर्डर्स को ओबे करते थे। नेक्स्ट हेडिंग है फेस्टिवल्स। हिंदू, सिख और मुस्लिम उस टाइम पर अपने फेस्टिवल्स को बहुत हैप्पीली सेलिब्रेट करते थे। हिंदू सेलिब्रेट करते थे होली, दिवाली, शिवरात्रि, लोहड़ी और दशहरा। सिख सेलिब्रेट करते थे बैसाखी, श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे, और मुस्लिम सेलिब्रेट करते थे ईद उल फितर और मुहर्रम। नेक्स्ट हेडिंग है मेन सोर्स ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर। उस टाइम पे सरकार का जो मेन इनकम हुआ करता था वो एग्रीकल्चर से आता था। उस टाइम पे जो पंजाब के लोग थे वो गांव में रहते थे, इसीलिए वो एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। जो पंजाब की लैंड थी उस टाइम पे वो बहुत ही फर्टाइल हुआ करती थी, और लोग जो थे काफ़ी हार्डवर्किंग थे। सरकार जो थी वो लैंड पे टैक्स लगाती थी उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। उस टाइम पर अगर कभी भी ड्रॉट्स, फ्लड और फैमीन हो जाए, कि कभी भी कोई नेचुरल कैलमिटी जैसी सिचुएशन हो जाए, तो लैंड टैक्स जो था उसको कम भी किया जाता था और माफ़ भी किया जाता था किसानों को। लास्ट हेडिंग है ट्रेड। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में पंजाब के अच्छे ट्रेड रिलेशन थे ब्रिटिश इंडिया, अफ़गानिस्तान और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। पंजाब में जितने भी वेपन्स बनते थे उसकी बहुत ग्रेट डिमांड थी अफ़गानिस्तान और ईरान कंट्रीज़ में। एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में कॉन्क्लूजन में लिख सकते हो। इनकेस आपको नहीं पता लगे कौन सी लाइन है, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.